श्रीनगर प्रखंड के गढ़िया बलुआ पोखर किनारे सरकारी जमीन पर बसे दलितों में से अधिकांश का घर तोड़कर हटा दिया गया है और शेष को बहुत जल्द सीओ के द्वारा घर हटाने का निर्देश दिया गया है, जिससे महादलित परिवार के लोगों में काफी निराशा व्याप्त है। और निराश एवं पीड़ित लोगों ने पूर्णिया डीएम कार्यालय एवं लोक जनशिकायत पदाधिकारी को आवेदन देकर न्याय देने की मांग की है। पीड़ितों का कहना है कि उन लोगों को रहने के लिए सरकार ने न तो जमीन दी और न ही घर ही बना कर दी, और इस कड़ाके की ठंड में उन लोगों का घर तोड़कर उन्हें पूरी तरह से बेघर कर दिया गया है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में कई बूढ़े बुजुर्ग भी हैं जिनको रहने में भारी दिक्कत हो रही है। ठंड के कारण कुछ पालतू जानवरों की मौत भी हो गई है। इसके बावजूद श्रीनगर सीओ उन लोगों पर कोई रहम नहीं बरत रहे हैं, जो कहीं से जायज नहीं है। इसीलिए वे लोग पूर्णिया डीएम और पूर्णिया लोक जनशिकायत अधिकारी से रहम मांगने पूर्णिया पहुंचे हैं, ताकि इस कड़ाके की ठंड में उन लोगों की जान बच सके। वहीं कुछ लोगों ने इस दरमियान बताया कि स्थानीय सीओ कुछ जमींदारों के संपर्क में है और उन लोगों की मिलीभगत रहने के कारण ही दलितों को ज्यादा परेशान किया जा रहा है। घर तोड़ कर सीओ साहब सबको हटा दिया है, जमीन नहीं दिया है, और कहा घर तोड़ कर हटाइए, हम आप लोग को घर देंगे और जमीन बांधने के लिए, समुद्र में देता है बांधने के लिए, नदी में कहाँ देंगे, मरेंगे कि बचेंगे हम लोग। कब तोड़ दिया घर? सब टूट गया है, टूट गया, 50 घर टूटा है। कब तोड़ दिया? कब तोड़ा है? 12 बजे तोड़, 8 रोज हुआ है, शनिचर है। तो आप लोग कहाँ रहते हैं अभी? वही दिल्ली में रहते हैं, रोड का तो बैठे रहता है, बाल बच्चा ले बकरी मांस सब मर गया सर। तो उन लोगों को बोले ना कि पहले घर बना दीजिए तब तो बोला हमको जगह दीजिए, कल आप जगह देते हैं नदी में देता है, हम मरेंगे कि बचेंगे, हम लोग को जगह नहीं है, बिहार सरकार में बसे हैं, वो नदी में फेंकता है, मरेंगे कि बचेंगे। आप लोग का घर कहाँ था जो तोड़ के हटा रहा है? पोखर पर, बलुआ पोखर पर, पोखर पर, पोखर पंचायत भवन। आप लोग का वो जमीन नहीं है? नहीं है सर, बिहार सरकार, बिहार सरकार में है। वो बिहार सरकार में है? हाँ, तो पूछे ना सीओ साहब को कहाँ तोड़ के हटा रहे हैं। नहीं, आप लोग का जमीन देगा सरकार, आदेश है, आदेश दिया है हमको घर तोड़ने के लिए। सीओ साहब बोले सिर्फ भित्ता खाली करके हम लोग साइड में बसा देंगे। जमीन दीजिए तब ना, सीओ साहब अभी तोड़ कर रोड का रात से पैसा लेके सीओ साहब हट गया, सब रोड पर रखा हुआ है, सब माल जाल बके माल जाल लेके मर रहा है। अच्छा, क्यों क्यों लगा हुआ आदमी? क्योंकि मेरा खेत है, यहाँ पर जमीन है, क्षति हो रहा है, सबको निकाल दिया जाए। सीओ साहब का बगल में हम लोग जमीन नपा हुआ है कि वही में बगल साइड लग जाइए, यहाँ पर जिम्मेदार नहीं होने दे रहा है, कहता है जाइए, सरकार का आदेश नहीं है ना है कि कोई जमीन में है तो धारकन में जाकर को भसा दीजिए। सरकार पहले घर बनाएंगे तब घर तोड़ेंगे, यहाँ से यो सब पहले घोड़े तोड़ को रख दिया है।